हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सुबह हो चुकी है और मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और आज आ रही है बारिश। अजमेर में आ रही है बारिश और सुबह से आ रही है, 7 बजे से नहीं, ये पूरी रात से आ रही है। रात के 3 बजे से आ रही है बारिश और अभी तक आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। तो और हमें आज रात को निकलना है 3 बजे। मेरे को तो समझ में नहीं आ रही क्या होगा क्या नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे इस टाइम, क्योंकि ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा और 4 बजे की ट्रेन है। पता नहीं क्या ही होगा, मुझे नहीं पता। और आज मैंने पहना है येलो सूट, इनका फेवरेट सूट है ये, तो इसलिए मैंने आज ये पहना है। और आज बन रहे हैं आलू के परांठे। और बारिश ने इतनी ज़्यादा ठंड कर दी है और रुक ही नहीं रही है, मतलब आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। ऐसा क्या हुआ है कि जो बारिश आ रही है भाई? मेरा नाम मॉनसून है और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा रो रही हूँ क्योंकि ये जा रहे हैं मुझे छोड़ के। तो इसीलिए आज मैंने बारिश करवाई है और आज बादल भी रो रहे हैं, पूरा अजमेर रो रही है, जा रहे हैं, तो मतलब सब बहुत ज़्यादा सैड है। इससे पता लगता है कि अजमेर भी रो रहा है यार, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश आ रही है। तो ये सारा अब इनकी पैकिंग हो रही है और एक बैग पैक हो चुका है और बस ये रहता है थोड़ा बहुत। और ये है मेरा पति जो जा रहा है। रेजर लेके जाऊंगा, मेरे को लगा कह रहे हो ब्रीजर लेके जाऊंगा, मेरे को तो कुछ भी सुनाई देता है। प्रेस भी लेके जाओगे? नीड नहीं है, हम स्टीम प्रेस लेंगे। नई वाली है? एक बैग ये वाला है इनका और 2 बैग इनके ये वाले हैं जो जा रहे हैं। इनके पास लगेज अभी है बट स्टिल ये लेके नहीं जा रहे ज़्यादा। मेरा तो दिल है, मैं बोल रही थी कि मेरा ले जाओ यार, इन्होंने बैग्स छोटे मंगवाए हैं तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने भी अपनी पैकिंग कर ली है और ये देखो सामान कितना ज़्यादा खिला रहा हुआ है। एक बैग ये मेरा, एक बैग वो मेरा। तो मैंने व्लॉग शूट नहीं करा, मैं बता रही हूँ ना कि मतलब मैं आजकल व्लॉग शूट कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही। इनके पैकिंग में भी 2 घंटे लग गए और दोपहर को मैं मतलब अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सो गए थे और फिर उठे और उसके बाद फिर पैकिंग करने लग गए थे। तो थोड़ा बहुत ही शूट करा मैंने पैकिंग में भी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है क्योंकि लगेज ज़्यादा था और बैग्स इनके छोटे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इतना इनफ रहेगा बैग्स, बट ये छोटे पड़ गए और अभी इनका 4 किलो बच गया है। बट ये कह रहे कि नहीं मेरे को इतना ही सामान चाहिए। थोड़ा सा बुरा लग रहा है, थोड़ी सी उदास हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बट मैं ऐसे शो नहीं कर पा रही हूँ। 4 बजे की ट्रेन है और इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है अजमेर में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ कि हद हो गई है, इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, पूरे दिन से आई जा रही है, आई जा रही है। और पता नहीं कब बंद होगी और सुबह इतनी ठंड होगी जब हमने जाना है। मेरी तो बहुत हालत बुरी हो रही है सोच सोच के, क्या होगा पता नहीं, गॉड्स नो। और इनकी पैकिंग हो चुकी है फाइनली, सारा कुछ हो चुका है और मेरी भी हो गई है। अभी इनके ऑफिस के टीम मेंबर्स आए थे और उन्होंने ये फ्रेम बनवा के दिया और एक और है वो दिखाती हूँ अभी। तो 11 बज चुके हैं और अब हम लगे हैं सोने और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और हमें 4 बजे उठना, 3 बजे उठना है, पता नहीं क्या होगा। और एक तो जब भी कुछ होता है ना तो मेरे पता नहीं क्यों पिम्पल ज़रूर निकलता है, इसके लिए मैंने क्रीम लगाई है। बहुत ही गंदा हो जाता है पता नहीं क्यों फेस, जब कुछ ना कुछ होता है, जब मुझे सुंदर दिखना होता है ना तभी होता है ये सब कुछ। तो फिलहाल हम लगे हैं सोने और फिर सुबह जल्दी उठना है, तो अब मैं सो रही हूँ, चेंज वेंज कर लिया मैंने, मैं तो सुबह उठूँगी यही पहन के चल पड़ूँगी। पी लो चाय, फिर चाय तो लाए नहीं, लाए चाय, लाए चाय, लाए पियो। एक्चुअली मैं दिख नहीं रही हूँ है ना, तो मैं ऐसे कर देती हूँ और ऐसे बात करती हूँ बिकॉज वैसे मेरा फेस नहीं दिख रहा, लाइट्स ऑफ है क्योंकि 5 बज रहे हैं तो सब सो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसे बात करते हैं और मैं अपने हाथ दिखा देती हूँ, मेरे हाथ बड़े सुंदर हैं वैसे। तो आज तो मतलब हर बार ही हम लेट ही हो जाते हैं, इतना ज़्यादा लेट हो जाते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। हर बारी का सीन के हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और इस बारी भी हमारे को हमें लग रहा था कि ट्रेन छूट जाएगी हमारी और मैंने जल्दी जल्दी में कुछ भी शूट नहीं करा कुछ भी। तो इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। एक तो हमारी सीट्स भी अलग अलग हैं और किसी B4 में है और B6 में है, तो बहुत ही दूर दूर है, 3 सीट्स वहाँ पर है, 3 सीट्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर दीदी, मैं और मम्मा लेट गए हैं एक ही रो में, मैं सबसे ऊपर हूँ, मिडिल में दीदी हैं और नीचे मम्मा है।
गर्ल्स हैं सारी की सारी वहाँ पर, बॉयज है तीनों, और बस अब हम जा रहे हैं और 12 बजे पहुँच जाएंगे। और मैं आपको अब सीधा वहीं पे जाके मिलूँगी, क्योंकि कुछ शूट करने का कोई सीन नहीं है मेरा और ना ही कुछ हो पाएगा। भाई इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि इतने हैवी हैवी बैग्स उठा के भागे हैं ना, जो आज हम लेट हो गए थे तो उसके चक्करों में इतना भागे हैं। और मुझे ये ट्रेन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही है। मुझे वैसे हमेशा कंफर्टेबल लगती हैं क्योंकि ये मेरे सामने सो रहे होते हैं, बट इस बार ही कोई और सो रहा है तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो बस ये है, बाकी तो वैसे सही है, बट थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी से ही दूर हो गए। वैसे तो दूर होना ही है इन्हें, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी ही दूर हो गए हैं मेरे से। और मैं ऐसे शक्ल की बिना ऐसे बातें कर रही हूँ तो कितना बोरिंग साउंड कर रहा होगा ना, बट कोई बात नहीं, मेरा मन कर रहा है जो बोलने का मैं वो तो बोलूँगी ना। मतलब हम बस पहुँचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, 11:30 हो चुके हैं और 12:30 बजे तक पहुँचेंगे। एक तो हमेशा हमारी ट्रेन लेट होती है तो ठंड की वजह से या पता नहीं क्यों, और बस अब थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे और फिर रात को चले जाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है। इतनी लेट टाइम, इतनी देर से बुला रही थी, अब आए हैं ये। आ गए हम, तो हम आ गए हैं और कैवी को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। अभी सामान नीचे पड़ा है पर इस लड़की को चैन नहीं है। फटाफट चलो, फटाफट चलो, फटाफट चलो, ये वाला है। हम आ गए। लाडूस का है, लाडूस को मिलने दो यार, लाडूस को मिलने दो, अरे मुझसे मिलना जरूरी समझा। अरे आप कैबी से मिले थे ना, कितने गरम गरम अच्छे लग रहे हो। लाडू मेरा बच्चा, मिच्चू वाला बोला वाला बच्चा, बहुत प्यारा बुगुश मे बेबी कुत्तुस वाली क्यूटुस। पांडा कहाँ है? पांडा को छोड़ दिया मंथन ने अभी, आज के लिए, आज के लिए छोड़ा है ना। बैठ मेरा बेबी, लाडूश वाली है तो बहुत सुंदरी। चल बेटू मिलती हूँ तेरे से बाद में, सो जा तू।